एगो मर्डर भइल डबल मर्डर हो गई। ए अंधा अंधी के श्राप रहे ऐसे की राजा दशरथ के उ अंधी जन लड़की रहे उ बहिन रहे आ अंधा रहे उ बहनोई रहे आ श्रवण कुमार रहे उ भगिना रहे। अब जोरी के गाना उ अपना बहिन के बहनोई के भगिना के हत्या कर रहे और भागे भावे भगिना ओ सुतनारी पतो ये तीनों आदमी के संगे जे खिलाफ काम करला भगवान ने बर्दाश्त ना करले। जबकि कई जाके को भन में बढ़ गई राजा दशरथ के पता नहीं कि रानी हमर कौन आइल बारी सुमंत जी रहले मंत्री राज के लोकल की सुमंत महाराज जेकर बेटा आज राजा बनी महाराज महल में बानी का त जाके सुमंत जी पता लगोले त रानी के कई के लगे उबारे के कई के लगे आ के कई के लगे इस बारे की के कई के सुन ले जे कोहनाइल बड़ी तो गोइले मनावे जाके कहली की रानी काहे की सेल बड़ू का बात बा कहली जे का मांगी रे वसरु देवे के कहले तंदी ले कहली की रानी का बोले लगलु रघुकुल रीत सदा चली जाई प्राण जाए प्रवचन न जाई ओ खानदान के हम राजा हई जन खानदान के राजा हरिचंद्र जे डोम के घरे जाके सत्य खादी बिगा गए कालस के कई जे तभी बात बा तो जन मांगे तन दे पैर रुआ राम के सौगंध खाई क्रिया खाई तब रुआ से मांगे कहले की जा रानी के कई राम के सौगंध खाता नहीं जमन मंगबू अवश्य तरह के दे अवश्य तरह के दे तब रानी के कई कलस की महाराज सावधान हो जाइए घबराइएगा नहीं हो सुना हूं प्राण प्रिय भावती जी का देहू यकी पर भरत ही टीका मेरा बेटा भरत राजा बनेगा आपका बेटा नहीं कले की रानी यह बात बा चारू बेटा हमरे हुआ भरते के राजा बना दे का दिक्कत बा कले की दूसर का सुनी तो सरी परी मांगे उ करी जोरी पूरा वो नाथे मनोरथी मोरी अवश्य पूरा करे रानी बोलो तापस भेष पीछे सौदासी चौदह बरस राम वनवासी वनवासी सब जब राजा सुन ले पर रानी के कई के गोर पर गिर गए भारत के राजा बना दे लेकिन राम के मन में जाए के मत कह रानी अपन बचन आपस ले ल दू के चार को भले ले ल लेकिन राम के मन में जाए के तू बचन मत ल रानी काम छोड़ दो राम जय है बनवा नहीं बची है परनावाए बबुआ के माई अरे आपस ले ला अरे अपन बारा दान ए बबुआ के माई आपस ले ला अपन बारा दान ए Thank you.
तारा पैर परमात काट के दे देव रानी लेके राम के वन में जाए के मत का मरले तमरले अरे तिरिया धोखावा कर ए मरी मरले तो अरे मरले रे रानिया धोखावा कर मरले करे जावा में रनिया मरले करे जावा में रनिया कपटा के कटारिया रानी के कई कलश की बाहरे सत्यवादी हरिचंद्र के खंडन कहत हर की जन मांग तो दे दे मंगनी तो रुवे लगला काहे नारी जसन खड़ा पसारे ला राजा रानी के रग गिर गए हे बबू ए ई बात केहू नइखे जानत के राजा रानी के बीच में कौन बात भइल बा सुमंत जी गइले कहली कि छोटी महारानी महाराज के का दिक्कत बा अत राम के बुला के ले बड़ी प्रिय बड़ा इनकर उहे इनकर बीमारी पकड़ी है जब भगवान राम ओनी कहनी कि छोटी माँ का दिक्कत पिताजी के तू पूछ ल राम जब भगवान पैर धके कनी की बाबूजी का दिक्कत बा का दिक्कत बा कली की बेटा तरस संगे पाप को दल बने कली की बाबूजी पाप बेटा के संगे बाप कहीं पाप करेला बाबूजी रुआ का हो गई बा कली की बेटा मानो के कई कोहनाई रलिया मनावे निहा को तरीके हमरा बेटा भरत के राजगद्दी दो हराम के 14 वर्ष खातिर वन में भेजो भगवान हंसे लगले कली की बात छोटी माँ तूने कितना उपकार किया है राम को वनवास भरत को राजगद्दी अपने बेटा को राजगद्दी अयोध्या के मांग रही हो और हमको दुनिया के राजा बना रही हो बाबूजी हम राउर बेटा है हम राउर बेटा है माई के इच्छा बा राउर में परीक्षा बा तब परीक्षा देवे खातिर बेटा राउर तैयार बा हम जाए वन में राम जी अगर आ गई ले का है राम बन गए बहुत पढ़ा लिखल बाबू ले जी बा एगो सब बोलत ने अर्थ देखे राम बन गए राम बन गए तो बन गए राम बन नहीं गए होते तो राम बन नहीं गए होते राम बन गए तो बन गए राम बन नहीं जाते तो राम बन नहीं जाते बबुआ काले राजा दशरथ की सुमंत रथ सजाव आ 14 दिन में हमरा लड़का के घुमा के अयोध्या लेके आ जाइए रथ सजे लागल सारा लोग के कही के गरिया अयोध्या में आग लगा दहलो आग लगा दहलो ई बात लक्ष्मण जी सुनले दौड़ लाके कहल कि भैया हम बन में चले माई हमर कली है
सीता जब सुनली तब महल से उतर के रथ के आगे खड़ा हो गई कि स्वामीनाथ रुआ जंगल में जाए बा महल में रहो कल की सीता अंदर जा ए घर के बहू हो ए घर के इज्जत हो ऐसे पतुह जंगल में ना जे कल की काहे ना जाई हमरे वा संगे शादी कइले बानी अग्नि के सथेरा रुआ कइले बानी अर्धाग्नि है आधा और शरीर हमरा शरीर में बा आधा हमार रुआ में बा त हमार लेके शरीर जाए वन में आ राउर शरीर रह जाए महल में भगवान कन के सीता बात तहार उचित बा लेकिन माता को सिल्ला से ऑर्डर लो ऑर्डर लो काहे कि अपन माई छोड़े बाड़ू त हमरा माई के माई कहलु आए अगर सास के तू भैलू नहीं कर आवे वाला मनुष्य औरत कौन अपना सास के इज्जत ना करी त दौड़ल गली कौशल्या के गोड़ पे गिर के कहली कि माई बेटी के दर्द माइये जाने ले हमरा का आदेश दिया जा के अपना पति के संगे जाई कहली कि बेटी तू कैसे जेबू हमार बेटा चलिए जे पतो चलिए जे तम जियब कैसे कहली कि अरे माई नारी के मरम नारी जाने ले अरे हमरा घुबरा संगे माई हम जाए अरे हमरा घुबरा संगे अरे जाई बे माई हमरा घुबरा बनवा में जाई पीवन फल खाई बनवा में जाई पीवन फल खाई बनवा में पीपति गावाई बे माई हम रघुबारा संगे लक्ष्मण सीता वन गमन के चल गई ले वन में चल गई ले इन्हें जौन भैया हमारा कथा गौनी है जब वन में राम चल गई ले सीता के लेके और रथ लेके लवट के आ गई ले सुमंत जी साझी खा ले ले दिन में रथ लेके ना आई ले सोच ले कि दिन में जाए तो अयोध्या के लोग के जवाब दे पड़ी कि राम के कहा छोड़ के आ गई लो जौन लड़का मैच जीत गल जाले सोन मैच जीत जाले सो उद्दीन में सिर लेके से जिंदाबाद जीत गई नहीं आज जो लड़का हार जाले सो राती खाए आवेले सो का हो ना जीत ल हलो तना बरखा बरस लगलो मैं से वे ड्रो हो गइल हो लोग के पता लगल कि सुमंत रथ लेके आ गइल बड़े महाराज के लगे खबर गई महाराज के दरबार में सुमंत पेश भइले राजा दशरथ कहल कि सुमंत राम के कहां छोड़ देला सुमंत कल के महाराज मत पूछ जाओ मत पूछ जाओ बहुत निहुरा कोनिया कहते बचनवा ए राजा जी अनी काले लापा बबुआ गईले हो ओ बाना बन शब्द जब राजा सुन ले धरती पर अर्राई के गिर गई कौशल्या दौड़ के अली उनकर मूड़ी अपना स्तर पर लेकर रुए लगली कल के स्वामीनाथ अब रुआ सोची जे रुआ बाप है हम महतारी है रुआ जब इतना गम में मानी तब महतारी के कितना गम हुई कहले कि रानी अब पहुंचब ना कल की का बोलता नहीं नारी के दुई के सुख होला या तो पति सुख ना तो पुत्र सुख तजेकर पति ना रहले अपना बेटा के देख के जिंदा रह जाइए
आज एकरा बेटा ना रहला पति के देख के जिंदा रह जाई। आ हमार बेटा जंगल में चल गेल बा, रहुआ दुनिया से चल जाए तो हमारा जिये के रास्ता का रही। उहे राजा कल की रानी बुझाता कि श्रवण कुमार के माई बाप के श्राप खड़ा हो गई बा। ओजी बतिया कहले नजरी पर अरे नचता मऊतिया ता कल जाते रही रही याद आवे मुनि जी के बतिया ता कल जाते राम राम कही राम कही राम राम कही छह बेर कह के प्राण त्याग दिले। कौशल्या मुड़ी पटक के रुअतारी, सुमित्र रुअतारी, के कही रुअतारी, अयोध्या में विपद पर गई। इस सूचना मिल गई सीता के, राम जाना तर के अमर बाबजी दुनिया में नहीं की, राम के पता बा। सीता कहते कि स्वामीनाथ हम सपना बहुत गड़बड़ देखले बानी। भगवान के की सीता सपना झूठ सा छोला एक फिर में ना पड़े के कहले कि झूठ नहीं केहू सकत, हम बहुत खराब सपना देखले बानी, बहुत खराब। देखनी सपनवा ए सैया जी अयोध्या में बुझाता जी विपद पर गई बा ना सीता, सपना हा सपना झूठ भी होला। देखनी सपनवा ए सैया जी असुना लागे भा फोरल जाता का ना सीता कली की ना ये सैया ना मानो उजरे बा सरिया ये सैया जी धोवा ताल हो मांगावा अब गुरु बसी जी के बुलाओल गई दरबार में और तेल भर के नाव में लाश रख दिल गई। गुरु बसी जी दूत के बोला निकनी के दूत के कई के नैहर चल जा भरत शत्रुधन बाड़े ई कहे के ने के राम के वनवास हो गइल बार और राजा दशरथ जी के मृत्यु हो गइल बा। जाके कहिए जे गुरु के आदेश बा जल्दी अयोध्या में चली। जब दोनों भाई ममहर से लौटले कहीं सियार कहीं काग तरह तरह के असगुन होता। भरत कहले कि भाई बुझाते अपना घरवा कुछ हो गइल बा। जब अयोध्या में प्रवेश कइलो शर्मा जी के यहाँ जब चाचा हमार गइल होखे तजे भी प्रदेश में बेटा बा ओकरा आभास हो गइल हो जे हमरा घरे कुछ भइल बा। काहे कि विधाता के नियम हो या तो भोजन में मक्खी गिर जाई आना तो भोजन करब तो उल्टी हो जाई
मन में दुखेगा बेचैन हो जाए। अब जान जाए कि जब अयोध्या में प्रवेश करत अरे भरत केहू बोलत नहीं है, जे देखता वो मुड़िया गाड़ देता, यही जी चिन्हा जाला। काहे कि जे परदेशी प्रदेश में रहला ओकरा घर कोन घटना घट जाला, और परदेश से माने के चट्टी पर आके के उतर गई, आ जी गांव के देखेला वो बोले ला ना फलाना गेल का हो इनका मालूम रहला कि ना मत बताई हले। अब मुड़िया लोग झुका देला। भरत जी जब अइले आ मेन गेट पर जब अइले मेन गेट पर लक्ष्मी जी माला लेके खड़ा बाड़ी। अब देखी गरुआन बाती मानस में खोजब त ना मिली। लक्ष्मी जी माला लेके खड़ा बाड़ी कि आवा भरत, अरे तू लक्ष्मी पात्रो की तेरा इंतजार में माला लेके खड़ा बानी। कहले भरत की बाहरी लक्ष्मी जाओ ना घर में पड़ भाई राम पड़े, और राम का जगह तू भरत की सेवा करबू। बल लक्ष्मी का ये कर एक लात मार के अंदर गई ले के कई आरती के थार लेके खड़ा बिया। आवे ये बेटा भरत तर के आरती कर खाती खड़ा बानी। कले के माई बड़ा खुश बड़ी का बात बा, अत बेटा तोहरे इंतजार में तो बानी। अरे के कई महतारी फुर्ती, अरे लेके बैली थारी पहली आरती बारी। अब भरत आरती उतारी कहली आरती बारी। अब भरत आरती उतारी कहली आरती बारी। कहले भरत के माई ते इतना खुश काहे बड़े, इतना तो कब खुश न रहले। कहले कि बेटा न ख जाना हम रूसर निहा तहार बाप मनावे गइले हा, तो हम मननी हा दू गो चीज मंगनी हा, तो तहरा के अयोध्या के राजा बनवनी हा आ उनकरा बेटा के जंगल में भेज देनी। इतने ना भरत तहार पिताजी दुनिया छोड़ देनी। कहले कि का कहता रे बाबूजी दुनिया से बनी है भाई बन में राम जानत रले, राम के पता रहे राम हमने के आदर्श मन, राम के पता रहे कि भरत यदि घरे रही थे तो राम के बन में ना जाए देते, और राम बन में ना जाए देते तो उनका इतिहास लिखा इतना। ऐसे भरत ऐसे राम के केव भाई ना भोई ना भोई। तब ये माथा पर हाथ धके कली के माई ई का कोई जाना बेरा ते बाबूजी से वरदान मंगले तर मुंह में पिलुआ ना पर गइल हो, तोर जीव सर के ना गिर गरे रे चंडाली। जननी जननी भई ते अपना माइयो से बीस बड़े, हमरा नानी से भी ते खरा बड़े। हाथ धके रुवे लगल भाई दी हले। अरे घर से निकार माई रे जोरे माई, आज के बाद भरत तोरा के माई ना कहिए। भइले न पिलवा मुह में परल नहीं गिरावा माई रे घर सनी काली दे ले हिरावा माई रे घर सनी काली दे ले हिरावा माई रे कले की जो माई
आज के बाद भारत के मुंह से माई शब्द ना निकली। गुरु बसी जी आके कन के भरत जेकरा बाप के लाश घर में परल बा आ तू बिलक के रुआ तार अरे अंतिम क्रिया कर। कले की गुरुदेव रौरा चलते ऐसे किंग हो गई। कले करे विधि के हाथ में बा इकेउ अपना हाथ में लेले नहीं के इकुली सब विधाता के हाथ में बा। अब भरत जी रुआ तारे अब अकेले बाड़े दू भाई बाड़े चार भाई में दू जना बने में बाड़े दू भाई बैठ के अब बाबजी के व्यवस्था में ला गई। अरे बनावे लागल भरत सुंदर विमानवा सरजुग तीरा पर भीरा भइल बा सरजुग तीरा पर भीरा भइल बा। अरे पिताजी के क्रिया लगावे लगले भरा सुंदर विमानवा हर विधि जितना लोकाचार हमने किया होला एकर कोनो ना कोनो माने बा। बांस के पचाठी बनेला आओ बांस के पचाठी में चारे आदमी काहे लागेले 40 आदमी लाग जेले की पारे पारी लगी है तो चारे गो ऐसे की दुनिया में चारे गो बरन होला चारे गो जात होला ब्राह्मण छत्री बैस असूत्र। जब ले आदमी जिंदा बा तब ले जात पात बा आदमी दुनिया छोड़ देला जाति पाति खत्म हो जाला ई चारो बरन अपना अपना कान पर उठा लेला। जले ले आदमी जिंदा बा तब पूछा था जी कौन बिरादर बाड़ा तो हम हरिजन बानी हो कल पर पानी पिए जाहे पर मत पिए। आ उहे आदमी मर के जदी जाला सरजुग के किनार पर तो लोग प्रणाम कर लगी जा तारा बढ़िया बा। अब बताई ना जी अलका ले मन मुअल के बा जिया तरह तो कह तरह की बड़का हो छोटका हो बैगवड हो फरवड हो आ उहे आदमी मर के जाला तो सबे प्रणाम कर लगे हमार यात्रा आज खूब बढ़िया बा। हर लोकाचार के पीछे रहस्य बा एकरा के जाने के परी हमार भाई प्रेजेंट ऑफ माइंड रखे के परी आ न नदी का ताना ना सहाला भातार तोरा न नदी के ताना में माना जा ना नदी के ताना ना सहाला पाकुर 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 पाकुर। अब कितने को मारो ना नदी के ताना ना सहाला पाकुर 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 का जी पाकुर पाकुर माने पाकुर पाकुर के मतलब परोसा तानी खइबो त खा ले। हम तो जानी के कुकुर ला तू छवल से बट ए बरी त तू ठीके बाड़ो। अब जानी क्रिया कर्म करता रे यही जी गाना लागल रुआ तारे अभिमान बनता। और जन भाई जयकार मनाओ तो लगे जग के जय हो शर्मा जी उडुम रहे हनु दुनिया में देखी लोग लगी फलानवा पक्का डोम बा लेकिन डोम के कितना लमहर करम बा केहू देखता जेकरा करुआ छोट जात समझता नहीं दुनिया में उस सबसे बड़का काम करेला। धोबी भइले या डोम भइले इलो सबसे माने लोग कहले कि सबसे नीचे बड़े लेकिन देख ली डोम के कर्तव्य कितना बड़ा बा। हमने के डोम कहे में शर्म नहीं लागत और हमारा सनी मन डोम बा 50 करोड़ के मकान बनाए एगो बांस में हम देखले बानी सूप टांग दिया ला टूटल चप्पल जूता टांग दिया छैटी टूटल टांग दिया का तई डोम के लाइसेंस। आ जब घर पर गृह प्रवेश हो जाई लोगों में भोजन कली घर भोज हो जाई डोम के लाइसेंस नीचे आ जाई। जब घर शुद्ध बा त डोम बा आ घर अशुद्ध हो गई त डोम हट गई
वैसा ही है घर बाई अशुद्ध बाई में बोलता आ जब में शुद्ध हो जाए जब अशुद्ध निकल जाए तो इहो घर डोम के हवाले लगा दिया कितनी आगे दजे जी जर जा ऐसे डोम सबसे दुनिया में नीमन काम करेला जाना बांस के पचाटी पर हमन के सूत के जाइले घाट पर उ बांस के पचाटी जे छू दी उकरा छुतिका लग जाई लगिया बरावे आ मुड़ी छिलावे आ उहे बांस जदि डोम लेके चल जाला त डाला आ सूप बना दी त लोग के बेटा के बियाह में चल जाई हम छुअनी त छुतिका आ उ छुलस त लगन जागई इस दुनिया में केहू के छोट मत कहीं ओकर सबसे लम्हर काम बा भरत रोवता रे कहत रे घटिया पर किया चके में आईली अरे बीमानावा हो हमार पिता भैंसा पाना राम चाचा के महंगू चाचा के पांच गो बेटा पांच गो पंचोले यानी पांचो पांडो बुझा था कि ना वो चाचा के गोल लगाता नहीं जब पांच गो पुत्र पैदा कर ले भाई और पांचो पुत्र पांडो के समान बड़े और आपस में कितना प्रेम बजाना का बखान की करो ओ जगे में आईली बीमानावा हो हमार पिताजी भैंसा पाना फिर हमारा चाचा के पुत्र वानी भैया हमारा पांचों भैया लोग हम प्रणाम करता नहीं पांचों पतोह लोग प्रणाम करो पैसा के काम नहीं के प्रेम सुनी हम ब्यास पैसा मांगे वाला ब्यास नहीं हमारे को रुपया दी घर भर के लोग आओ दर्शन करो और रुपया दे तो पैसा लिया के हमरा के दे दे बोलो अदर ओमे आके पड़े दुआरा पपन लागल बासवा के डोला शर्मा जी के चर्चा पूरा नगरी में होला पांचो भाई रोवे लेसी रहनावा हो हमार पिता भाई तो ही यारे अरोवे लेनाती दुआरा पर पोता लोग पीटता वे छाती पिता भाई पिता बिना सुना भाई भमाना बाहो हमार पिता भैनी सा पाना सुना लगे सगरी तो काना बाहो हमार पिता भैनी सा पाना रिंटू कुमार शर्मा जी बहुत स्नेह दल बनी अभिनंदन प्रणाम करते हैं।
रिंटू शर्मा जी अभी सुनिए बड़का भैया से, रिंटू छिंटू पिंटू लड़का के नाम धर के कुत्ता का नाम हो, इस सब ना कहे के विद्वान आदमी के। बहुत ऐसा लोग है जी हुई जरा बेटा के इनाम हो, वो आदमी के का बुझाइ, वो आदमी के कुत्ता कह जाइए ना कहे के सब। हमनी के बेटा बेटी के नाम मिकुली धारा था तो हमन के बेटा बेटी कुत्ता है। फाटल पैंट लैका पेन तार सब फैशन बा, काऊ जे फाटल पेन त कुकुर सियार हो, अरे अपना लड़का के किन के दे तानी तरुआ पहले ओकर के डांटी का जी रुआ बेटा के नाम पिंटू होई चिंटू होई तका हम ओकर के कुत्ता कहो, वो हमार भाई है भतीजा है बबुआ। पिता बिना सुन भइले दुआरा के माटी, पिता बिना पीटा तारे बेटा लोग छाती, कब हो पिता के तारा सनावा हो हमार पिता भैंसा। चाचा के बाबे लोग बेटा पांच भाई दुनिया में अपनाई मिले बाप माई, दुनिया देख वाले ए बाबू बापे माई दुनिया देखो ले बाबा। पिताजी ता दिहा ले जा ना मामा हो हमार पिता भैनी सापना, अचक में यही ले हो हमार पिता भैंसा पानावा।